शायद आप भी किसी दिन एक BMW गाड़ी खरीदना चाहते हो, लेकिन क्या कल सुबह उठ के ही आप अपने इस गोल को अचीव कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है हमारे लाइफ के छोटे बड़े हर एक गोल के साथ। आप शायद चाहते हो आपकी कॉलेज में सबसे खूबसूरत लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाना, या फिर नेक्स्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर अवार्ड जीतना, या शायद अपने बिजनेस को और बढ़ाना। इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, एक वन वे रोड जिसका डेस्टिनेशन है आपका गोल। उस रोड को पार करना इतना भी आसान नहीं है, कई तरह के ऑब्स्टिकल्स आपको ओवरकम करना होगा और उसके लिए चाहिए प्रॉपर डेडिकेशन। तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसे स्मार्ट आइडिया शेयर करने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप अपनी किसी भी गोल को अचीव कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या तक कि स्विंग मशीन भी सपने में मिला हुआ इन्फॉर्मेशन की मदद से इन्वेंट हो पाया था। हर रोज जब हम सोने जाते हैं तो नींद आने के एग्जैक्ट पहले मोमेंट में, जब हम आधे नींद में होते हैं, तब हम जिस चीज के बारे में सोचते रहते हैं वो सारे थॉट्स कॉन्शियस माइंड के द्वारा किसी भी तरह का कोई प्रोसेसिंग ना होके ही डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाता है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एंडलेस पावर अब तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। इसलिए रात को जब आप सोने जा रहे हो, तब अगर आप अपने गोल्स के बारे में थोड़ा सोचो कि क्यों मैं सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा, क्यों मैं रिलेशनशिप्स को सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा, क्यों मैं अपना इनकम नहीं बढ़ा पा रहा, जो कि हम सबकी लाइफ में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को एक पेज पे रेड कलर इंक वाले पेन से लिख डालिए। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली रेड कलर इंक यूज करने के लिए कहा, क्योंकि रेड कलर में एक अलग एनर्जी है जो कि पैशन एंड डेडिकेशन को इंडिकेट करता है। जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा, एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस में भी कोई अगर रेड कलर का कोई ड्रेस पहना होता है तो अचानक से फोकस उनकी तरफ चला जाता है। इसलिए आज ही एक रेड कलर इंक वाले पेन से अपने सारे अनफुलफिल्ड गोल्स से रिलेटेड हर एक सवाल एक पेज के अंदर लिख डालिए और फिर उन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते सोने की कोशिश कीजिए। इसके बाद रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सवालों का जवाब ढूंढने के काम में जारी रहेगा। इससे आपको अपने गोल्स को अचीव करने में काफी मदद मिलेगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। सबसे फनी चीज तो ये है कि मनी मन हम सब चाहते हैं कि हमारे सारे गोल्स आज ही अचीव हो जाए, हमें कोई मेहनत करना ना पड़े, बस ऐसे ही किसी तरह से सारे गोल्स अचीव हो जाए। हम सब एक गोल सेट तो कर लेते हैं, लेकिन जब उस गोल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी चढ़ने की बारी आती है तो तब सोचने बैठ जाते हैं, ओ गॉड कितने सारे सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। आपका गोल सबसे आखिरी वाले सीढ़ी पे आपके लिए वेट कर रहा है, आपको बस इन सीढ़ियों को चढ़ के वहां तक पहुंचना है। तो ओ गॉड कितने सारे सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, कैसे मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, ये सब ना सोच के बस पहली सीढ़ी पे अपना कदम रखिए, फिर दूसरी सीढ़ी पे और फिर तीसरी पे, बिल्कुल ऐसे एक के बाद एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर की तरफ बढ़ते रहिए। अभी अपना सर ऊपर उठाने की कोई जरूरत नहीं है, अपना फोकस बस नेक्स्ट सीढ़ी पे लॉक करके रखिए और ऐसे एक एक करके सीढ़ी चढ़ के ऊपर की तरफ बढ़ते रहिए। ऐसे धीरे धीरे जब फाइनली आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे, तब फिर आपको ही ये लगेगा, अरे नीचे से तो इतना ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन असल में इतना भी मुश्किल नहीं था। जैसे कि क्रीड मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलोन का एक फेमस डायलॉग था, वन स्टेप एट अ टाइम, वन पंच एट अ टाइम। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, वैल्यू योर ईच डिसीजन। हम सभी को दिन भर छोटे बड़े हजारों डिसीजंस लेना पड़ता है। अब ये सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना खाना है से लेकर ऑफिस में आज कौन सी शर्ट पहनकर जाना है, या फिर उस क्लाइंट का डील कैसे क्लोज करना है, वह तक भी चलता रहता है। ये सारे छोटे बड़े डिसीजंस आपके विल पावर के ऊपर असर करता है। शायद पिछले साल आपका रेजोल्यूशन था 6-pack एब्स बनाना और गिटार बजाना सीखना, लेकिन साल के एंड तक आते और ज्यादा फैला हुआ पेट और घर के एक कोने में गिटार पड़ा हुआ रहते देखने को मिला। तो इसका मेन रीजन है, हर दिन आपने जो छोटा बड़ा डिसीजन लिया उसे आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इसलिए हर एक डिसीजन को इम्पोर्टेंस दीजिए और सिर्फ आपका गोल अचीव कर पाने में जो मदद करेगा उन्हीं डिसीजंस को चूज कीजिए। जितना भी मन करे, बस एक ही तो चॉकलेट है, खा ही लेता हूँ, इससे और क्या हो जाएगा। इन क्रेविंग्स को ओवरकम करके आपको अपने डिसीजन पे डटे रहना होगा, नहीं तो आप अपने गोल्स अचीव करने के रास्ते के साइड में नाले में गिर जाओगे
जहां से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल बन जाएगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, आस्क योर ओन ओपिनियन। शायद आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो और उसलिए आपने काफी लोगों से उनका ओपिनियन पूछा, तो 10 में से 8 लोगों ने ही ऐसा कुछ कहा जिससे आप मोटिवेट होने के बदले डीमोटिवेट हो गए। तो सबसे पहले तो इलॉजिकल जो ओपिनियंस आपको डीमोटिवेट कर रहा है उन सबको आपको अपने दिमाग से निकाल देना है और फिर खुद का ओपिनियन पूछना है कि क्या मैं तैयार हूँ, क्या मुझे कोशिश करने से कामयाबी मिल सकता है। अगर जवाब हाँ आता है तो उसी मोमेंट से अपना गोल अचीव करने के लिए जर्नी शुरू कर दीजिए, और अगर जवाब ना आता है तो उसके पीछे जो वजह है उसे ढूंढ के कोशिश कीजिए अगर आप उसे बदल पाते हो। आपका गोल सिर्फ और सिर्फ आपका है, इसलिए जिस इंसान का ओपिनियन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका खुद का। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, विनर्स नेवर मेक एक्सक्यूजेस। आपने भी शायद अपने किसी फ्रेंड को ये कहते हुए सुना होगा, यार आज से सुट्टा मारना बंद। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से आपने उसे सुट्टा मारते हुए देख लिया, तो तब अगर आप उससे पूछोगे तो वो शायद कुछ ऐसा जवाब देगा, अरे यार मैं तो अब पहले जैसा उतना भी ज्यादा नहीं पीता हूँ, अब तो बस वो कभी कभी मन हुआ तो। ये एक्सक्यूजेस हम बस अपने आप को देकर अपने मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं। आपको अपने गोल्स को अचीव करने से कौन सी चीज रोक रही है, टाइम, एनर्जी, मनी या फिर आप खुद? आप खुद ही खुद को डिफरेंट एक्सक्यूजेस देकर बेवकूफ बना के रखने की कोशिश कर रहे हो, जो एक्सक्यूजेस झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। और एक झूठ को सिर्फ एक सच ही रोक सकता है, और वो सच ये है कि आपके पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इनफ टाइम भी है, एनर्जी भी है, विल पावर भी है, नॉलेज भी है, और या तक कि नेसेसरी सपोर्ट भी है। स्मार्ट आइडिया नंबर 6, डोंट क्विट अंटिल इट्स फिनिश्ड। आपने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ एक जिम ज्वाइन कर लिया एक बढ़िया मस्क्यूलर बॉडी बनाने के लिए, और फिर रेगुलर वर्कआउट भी करने लग गए। ऐसे 3-4 हफ्ते चलाने के बाद आपको ऐसा लगने लगा, मैं तो हर रोज वर्कआउट कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ बॉडी बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई चेंज क्यों नहीं दिखाई दे रहा, अरे ये सब जिम टिम तो बेकार है। ये मानकर अगले दिन से रात के 1 बजे सोने जाना और दोपहर 12 बजे नींद से उठना चालू। आपको ये समझना होगा, कोई भी गोल अचीव करने के लिए मेहनत के साथ साथ समय भी देना पड़ता है, सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता। शायद आप 5-6 महीने लगातार वर्कआउट करने के बाद आपको कोई विजिबल चेंज देखने को मिलता, लेकिन आपका डेस्परेट माइंड वेट नहीं करना चाहता, इसलिए उसने आपसे गिव अप करवा दिया। आप जिस गोल को अचीव करने के लिए ऑलरेडी निकल चुके हो, बीच रास्ते तक आकर उसे गिव अप कर देना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है, क्योंकि गिव अप कर देने से आप तक अपने जितना भी मेहनत या समय इन्वेस्ट किया है वो सब यूजलेस हो जाएगा। इसलिए कोई भी गोल अचीव करने निकलने से पहले एक सही टाइमिंग और सही प्लान तैयार करके फिर निकलना चाहिए, क्योंकि तब शायद आपको कभी भी बीच रास्ते तक आके गिव अप नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि पहले से ही ये माइंड में फिक्स करके फिर जिम ज्वाइन करना चाहिए कि जितना भी दर्द हो, शायद कोई भी चेंज देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी अगले 6 महीने तक मुझे कंटिन्यू करना ही है, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को सम अप करूं तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको ये 6 स्मार्ट आइडियाज हमेशा याद रखना है। नंबर 1, यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। नंबर 2, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। नंबर 3, वैल्यू योर ईच डिसीजन। नंबर 4, आस्क योर ओन ओपिनियन। नंबर 5, विनर्स नेवर मेक एक्सक्यूजेस। एंड नंबर 6, डोंट क्विट अंटिल इट्स फिनिश्ड।